बुधवार की सुबह रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार में एक व्यक्ति के द्वारा छत पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी देने से सनसनी फैल गई। पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचकर छत पर चढ़े व्यक्ति से मिन्नत करते रहे कि वह ना कूदे, लेकिन पुलिस के लाख समझाने के बावजूद व्यक्ति नीचे कूद गया। हालांकि पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम पहले से ही अलर्ट थी, इसलिए नीचे कूदने पर भी व्यक्ति को बचा लिया गया। इस दौरान उसे चोट नहीं आई। ये हमेशा छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं इनको पूछा जा रहा आप नीचे आइए नीचे आइए, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम लोग सीढ़ी लगाने की कोशिश कर रहे थे, जंप कर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर ये ऊपर से गिरे हम लोग, पकड़े कम्बल से चारों तरफ से कम्बल में कूदे। दरअसल रांची के अपर बाजार इलाके के रहने वाला कमल नाम का व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है। इसी दौरान वह एक घर के दूसरे माले पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। आनन फानन में इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा लाख समझाने के बावजूद भी कमल छत से उतरने को तैयार नहीं था। इस दौरान सुरक्षा के लिए अग्निशमन विभाग के दस्ते को भी मौके पर बुला लिया गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद कमल आखिर कूद गया, लेकिन पुलिस के सतर्क रहने की वजह से उसकी जान बच गई। जैसे ही वह नीचे कूदा, पुलिस की टीम ने उसे धर दबोचा और अपने साथ लेकर अस्पताल चली गई। मिली जानकारी के अनुसार कमल इससे पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है। अब पुलिस यह कोशिश कर रही है कि उसे रांची के रेनपास में इलाज के लिए भेज दिया जाए, ताकि भविष्य में वह इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दे और उसकी जान बची रहे। प्रशांत कुमार, ईटीवी भारत, रांची।